जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मंडे है, 3 अगस्त 2020, मंडे 3 अगस्त 2020 एंड इट्स 8:07 AM। और आज हमारे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार है, जहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है। तो वैसे तो लॉकडाउन का माहौल है या फिर कोरोना वायरस का है, तो थोड़ा सा त्यौहार फीका जरूर पड़ेगा, मगर भाइयों का और बहनों का जोश में कमी नहीं रहेगी। और टू बी वेरी फ्रैंक, भगवान ने ऐसे मुझे तो कोई भी सिस्टर दी नहीं है, कि हम लोग एक्चुअली 3 भाई हैं, वी आर 3 ब्रदर्स ओनली। और रही बात बहन की, तो एक मैंने बहन बना रखा है अहमदाबाद में, कृष्णा बहन। उनका कल मैसेज भी आया था कि मैं सूरत आ जाती हूँ, तो मैंने मना किया, रहने दो बहन, मैं नेक्स्ट मंथ पक्का तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। तो कृष्णा बहन, आपको राखी की बधाई, और मेरी तरफ से वाली गिफ्ट आपको पहुँच जाएगी, डोंट वरी। और नेक्स्ट मंथ मैं खुद आऊँगा, चाहता हूँ कि मैं खुद आपके हाथ में दूँ। और कल ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक और सिस्टर बनाई है, हरसिमरन जी, और अभी तक हम लोग कभी मिले नहीं हैं, बट पता नहीं एक फीलिंग से आई, देन आई रेज्ड माई हैंड्स एंड टोल्ड हर टू टाई द नॉट ऑनलाइन। तो एनी वे, स्टार्ट करते हैं आज। जैसा मैंने आपको कल एक वीडियो बना के बताया था, समझाया था कि FIs क्या करते हैं, यहाँ SGX को डाउन दिखाते हैं, आपको डाउन सपना दिखा दिया 900 इतना, वहाँ उस रेट पे बाइक करके। अब यही माल आप लोग को, आपको मैं दिखाऊंगा, जो 10963 का कल लो बनाया था SGX ने फ्राइडे को, आपको दिखा देता हूँ मैं, 10963 है ना, ये आपको मुझे नहीं लगता इंडियन मार्केट में ये देखने मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मिलता भी है तो आप यहाँ पे माल लपक लीजिएगा, बिकॉज आई एम वेरी प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि इस, और आपका स्टॉप लॉस लिख लीजिए आप 850, इस पूरे वीक का आपका स्टॉप लॉस है 850, इस पूरे वीक का स्टॉप लॉस हमेशा मानिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस मार्केट में भगवान नहीं होता। और मेरे हर वीडियो में एक डिस्क्लेमर रहता है कि ये सारे व्यूज़ मेरे पर्सनल व्यू है, फॉर एजुकेशनल पर्पस। और कहीं ना कहीं अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, तो आप अपने किसी भी एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, ताकि आपको कभी भी कोई लॉस हो तो आप उसको दोष दो, मुझे नहीं, ठीक है। तो आपको अगर लेना रहे तो आप लीजिए। मेरा मानना है कि निफ्टी को 10850 का स्टॉप लॉस डाल के इसी वीक में आपका टारगेट रखिए 11400 प्लस, इसी वीक में। अभी आपको बहुत लोग समझाएंगे कि 30 का पी आ गया है, वो हो गया कुछ, तो उनको तो मैं अभी कल एक ने और बनाया वापस, कुछ 5 बड़ी न्यूज़ अलर्ट देके, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ, भाई तू अपना ये बकवास ज्ञान अगर जो पब्लिक को बांट रहा है और उल्लू बना, ओब्वियसली जो बातें पब्लिक को पसंद आएगी तुमको सब्सक्राइबर मिलेंगे, लेकिन मैं सच्ची बातें करने में पसंद करता हूँ, मुझे वो सब्सक्राइबर का लालच नहीं। हाँ, तेरा एक काम अच्छा लगा मुझे कि तू भी ज्वाइन बटन नहीं लगाया, तो तू कम से कम प्रमोद जैन की कैटेगरी में, लेकिन तू भी उल्लू ही बना रहा ना, तू 28 में तो उछल उछल के बोला अलर्ट अलर्ट अलर्ट, फिर से 30 में भी अलर्ट ही बोल रहा है, तू बता ना कहाँ लेना कहाँ बेचना ये तो बता, लेबर मत दे, प्रमोद जैन की तरह बोलना यार, अगर तेरे में टैलेंट है तो वैसे बोल के स्टार्ट कर, इधर लेना चाहिए इधर बेच देना चाहिए, है ना। इसको गाइडेंस नहीं बोलते बॉस, कि इधर टूट गया तो इधर है, किसी के पास टाइम नहीं रहता उस समय क्या टूटा क्या नहीं। और एक जन बोलता है कि ये लेवल टूट गया तो बाई कर लो, ये लेवल टूट गया तो सेल कर दो, मतलब एक ही लेवल रहता है 10300, तो 10300 को नीचे गया तो तुम बाई कर लो, ऊपर गया तो कितनी बार बाई सेल करेगा भाई साहब वो। अरे यार, लोग एक बार बाई की पोजिशन बना लेते हैं, उनसे सेल की नहीं बनती है, ये मार्केट है और तुम भी जानते हो। तो सही डायरेक्शन बताओ, भले ही रॉन्ग हो जाओ, लेकिन एक तो बताओ, तुम तो क्लास 6 के बच्चों की तरह बताते हो कि 11000 के नीचे जाएगा तो सेल मार देना, 11200 के ऊपर जाएगा तो बाई कर लेना, तो कहाँ लेना और कहाँ स्टॉप लॉस है ये तो बता फिर। एनीवे दोस्तों, मेरा मानना है आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है इस वीक का 850, और आपका टारगेट भी डिफाइंड है 11400। ये हो गए निफ्टी की बात है, जो कि मैंने कोई भी चेंज नहीं की, एज इट इज़ बोला। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि 20 EMA नहीं आएगा, वो भी आपको 7 दिन में आने वाला है, दोनों का, रिलायंस का और इसका। लेकिन
पहले 3-4 दिन तेजी करके भी तो आ सकता है, क्योंकि यू नेवर नो। और 7 के जगह 8 दिन लग सकते हैं, लेकिन आना जरूर है उसको। 20 AM को किस करना ही है, तो 10 को तो कर दिया रिलायंस ने किस। तो एक बार रिलायंस मुझे लगता है कि 2199 का जो हाई मारा था, 27-4 को मारा था शायद, उसको तोड़ेगा, ठीक है, 27-7 को, 27 जुलाई को, उसके बाद ही ये नीचे की तरफ आएगा। तो एक बार 2300 तक भी जा सकता है, वहाँ से नीचे आएगा, वहाँ से आपको ये 20 EMA को छूना आएगा, उस समय 20 EMA हो सकता है 2000 पे आ जाए। और अगर आप में ताकत है कि और एक महीना रुको सितंबर के लास्ट तक, तब मुझे लगता है रिलायंस में एक 400-500 पॉइंट का करेक्शन भी ऊपर से मिलेगा आपको। लेकिन ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको आज की आज करेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना बना के चढ़ रहा है ऊपर। मैंने कल के वीडियो में समझाया, 5% बढ़ रहा है, सांस ले रहा है, फिर 5% बढ़ रहा है, अगर आपने कल का वीडियो देखा तो, ठीक है। तो उससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई आपको एग्जांपल देके समझा सकता है। FI का भी मैंने तरीका बताया, तो आज आपको दिख जाएगा, आज कुछ भी नीचे खुले, मैंने क्या बोला उस वीडियो में कल वाले में, कि आज क्लोजिंग पॉजिटिव होगी। अब आपको तो लोग 10, 800, 700 दिखा रहे हैं, कुछ 700 का टारगेट दे रहे हैं इसी वीक का, तो मैं दिखा दूंगा आपको कि कौन सही है, कोई कौन गलत है। मैंने अपने लॉजिक भी दिए, खाली तुक्का नहीं मारा है, ठीक है, कि 30 PE आ गया, वो आ गया, ऐसे तुक्के नहीं मारता हूँ मैं आपको लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तब हार मान लेता हूँ जब 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग भी आ जाए 11,000 के नीचे, 2 कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव डेज मतलब अगर सोमवार को आई तो मंगलवार को भी आनी चाहिए, तब मैं बोल दूंगा कि एक बार गया मार्केट, ठीक है। तो ला के दिखा दीजिए 2 दिन कंसेक्यूटिव। तो पहले 11,400 आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये मान के चलिए। और आज का पॉजिटिव क्लोजिंग ये भी आपको शाम को दिख जाएगा। अब रही स्टॉक्स की बात, तो मैं रिलायंस फेवरेट लेके चल रहा हूँ इस वीक के लिए, मेरा रिलायंस इज़ माय होट फेवरेट। सेकंड स्टॉक इज़ जी इंटरटेनमेंट, ये 2 स्टॉक मैं इस वीक के लिए बेटिंग करूँगा। और मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी है 6 तारीख को। और इस वीक में एक बड़ा इवेंट ये भी कि राम मंदिर का शिलान्यास होगा, मोदी जी खुद करेंगे 5 तारीख को, ये भी एक बड़ा इवेंट है हमारी कंट्री के लिए। और 6 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ हुई है, ऑटो के नंबर्स जो आए 1 तारीख के, पिछले महीने के जुलाई के 1 तारीख को रिलीज होते हैं हर महीने, आपको पता ही है, वो बहुत ही अच्छा है। मारुति ने तो 1 लाख गाड़ियाँ बेची है इस जुलाई मंथ में, जो मोर देन एक्सपेक्टेड। तो मारुति इस महीने में मुझे लगता है इस वीक में आउट परफॉर्म करेगा। तो ऑटो सेक्टर भी बूस्ट कर रहा है। और अगर बैंक में क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट अगर 50 बेसिस पॉइंट का आ जाता है किसी कारण से, तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स हैं उनमें भी बूम आ सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू रेट कट। रेट कट अगर 25 बेसिस पॉइंट आएगा तो मार्केट इतना ज़्यादा उत्साहित नहीं होगा जितना 50 पे होगा। तो ये सारी बातें इस वीक के लिए, और बाकी तो आज का दिन भोलेनाथ बताएगा। आज का दिन भी भोलेनाथ का है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। और रही बात उसकी 50,000 सब्सक्राइबर वाली बात, मैंने बैकआउट कर ली, कल ही कर ली, और मैंने एक ही बात उसमें समझाई कि ये चैनल सिर्फ सेवा के लिए खोला गया, इसमें कोई भी मनीटरी गेंस मुझे नहीं लेना आपसे 1 रुपये का भी, चाहे वो सुपर चैट हो, चाहे वो ज्वाइन बटन हो, चाहे मुझे पेटीएम भी नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी मेरे बताए गए किसी भी व्यू से बहुत पैसा कमा भी लिया, तो अपने शहर में किसी भी गरीब की मदद कर देना, वो मेरी फीस होगी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।